इंग्लिश ऑलराउंडर बैन स्टोक्स को आईपीएल 10 की नीलामी में 14.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर राइजिंग पुणे सुपर जायंट के द्वारा खरीदा गया है। इसके साथ ही स्टोक आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बैन स्टोक इस समय भारत के कई बड़े टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ियों से भी ज्यादा महंगे हैं, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स भी शामिल हैं। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली इस समय आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्हें आरसीबी की तरफ से एक सीजन खेलने के 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वही बैन स्टोक 14.5 करोड़ रुपए की कीमत के साथ दूसरे स्थान पर आते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा सुरेश रैना, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और शिखर धवन को अपनी रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने के 12.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वही अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा को 9.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उनकी रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइज के साथ है। धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह का सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। जाहिर है उन्हें बैन स्टोक के 14.5 करोड़ रुपए की तुलना में आधे से भी कम पैसे मिलते हैं। आईपीएल 2017 ऑक्शन में बैन स्टोक अकेले इंग्लिश प्लेयर्स नहीं है जिन पर पैसों की बरसात हुई है। उनके अलावा टाइमन मिल्स को आरसीबी ने 12.5 करोड़ रुपए में और केकेआर ने क्रिस वोक्स को 4.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। क्या बैन स्टोक आईपीएल 2017 में अपनी कीमत के अनुसार प्रदर्शन कर सकेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।